हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर रहे थे और उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 को इस लेक्चर 6 में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। द राइट एंगल इज एट बी एंड यू हैव बीन गिवन दैट टैन ए इज 1/√3। यू हैव टू फाइंड sin a into cos c plus cos a into sin c। In the first part, we have also the second part, you will see that। So first part में देखिए angle a जो है notify किया गया है। So angle a को जब हम लोग notify करेंगे तो देखो आप जानते हो कि जो हमारा perpendicular हो जाएगा उसके सामने BC, so 90 degree के सामने ये hypotenuse और ये base, okay? Then देखो sin, यहाँ पर ये product है, ये multiplication plus यहाँ पर multiplication है। So साइन ए cos c साइन c cos a, ये वैल्यूज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो साइन ए क्या हो जाएगा। साइन क्या होता है, पी बाई एच, ओके, और एंगल यहाँ ए ही है, है ना, तो पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है टैन ए इज व्हाट, पी बाई बी, परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का 1, बेस कितना है रूट अंडर 3। So, बेस हम लोग का है रूट अंडर 3 और परपेंडिकुलर है हम लोग का 1। कैन यू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, रूट अंडर व्हाट, रूट अंडर व्हाट, बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो आप रूट अंडर 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस रूट अंडर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, दैट इज रूट अंडर 4, दैट इज वैल्यू कितना है आपका हाइपोटेन्यूज का 2 यूनिट। सो साइन इज पी बाय एच, पी परपेंडिकुलर कितना है आपका 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 2 इनटू, देखो यहां एंगल सी नोटिफाई किया गया है, है ना। सो हम लोग सबसे पहले ए जो नोटिफाई करके है उसको निकाल लेते हैं। देखो ये क्या है, कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस देखो कितना है आपका, बेस है रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 2, ओके। अब देखो जो cos c और sin c कैसे निकलेगा, देखो यहाँ एंगल तो नोटिफाई c को किया गया है, सो इन दोनों के लिए हम लोग को जो परपेंडिकुलर है उसको चेंज करना होगा। सो क्या हो जाएगा, एंगल c को हम लोग लेते हैं अपना, अब इसके सामने क्या हो जाएगा आपका, जो एंगल नोटिफाई किया जाता है उसके सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। सो ये हम लोग का हो गया अब परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अब इस केस में जब सी एंगल नोटिफाई किया गया है तो परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो देखो कॉस सी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब चेक करो बेस कौन सा है 1, इस केस में बेस 1 है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 2, ओके। अब ये साइन सी पर आ जाते हैं, साइन सी कितना हो जाएगा हम लोग का, साइन होता है पी बाय एच, तो पी परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय एच, हाइपोटेन्यूज कितना है हम लोग का 2, सो 1/4 प्लस रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 इज व्हाट 3/4, सो 4 3 1 4, दैट इज व्हाट 1, ओके। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को, कॉस ए कॉस सी, देखिए ट्राइंगल तो हम लोग का सेम ही है, सो देखिए ट्राइंगल क्या हो गया हम लोग का, फिर से बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है हम लोग का, क्या क्या दिया हुआ है रूट अंडर 3, ये हम लोग का हो गया 1 और ये हो गया हम लोग का हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना आया था 2, ओके। अब हम एंगल कौन सा नोटिफाई करेंगे तो क्वेश्चन में देखना होगा। चलिए सबसे पहले ए के लिए देखते हैं, यहाँ पर एंगल ए नोटिफाई किया गया है, यहाँ भी एंगल ए नोटिफाई किया गया है। चलिए तो एंगल ए को अगर नोटिफाई करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 1, बेस कौन सा हो जाएगा रूट अंडर 3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2, वो तो फिक्स्ड है। चलते हैं कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 2 इंटू, सी के लिए रुकते हैं, माइनस इसको सॉल्व करते हैं साइन ए, साइन ए कितना हो जाएगा पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना है 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 2। नाउ अब सी एंगल के लिए देखते हैं, जब एंगल सी नोटिफाई किया गया तो ये जो बेस और परपेंडिकुलर है वो तो चेंज करेगा,
चलिए तो हम लोग एंगल ए को हटाते हैं, अभी हम लोग को एंगल सी को नोटिफाई किया गया, तो एंगल सी को जब नोटिफाई किया गया तो उसके ठीक सामने वाला अब ये बेस ना होकर के क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर ही हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा हम लोग का बेस। ओके सो अब cos सी इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बेस क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 2 * sin, sin होता है p / h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके सो अब इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा √3/4 √3/4 सो 0। ओके नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव कर रहे हैं, स्टार्ट। ट्रायंगल है PQR और एंगल Q पर बताया हुआ है 90 डिग्री है क्वेश्चन नंबर 10 में, और दिया है PQ का वैल्यू 5 है, PQ ये वैल्यू हम लोग का कितना है 5, एंड PR प्लस QR, PR प्लस QR ये दोनों का सम, ये दोनों साइड्स का सम दिया है 25। पूछा क्या है साइन P, कॉस P एंड टैन P। देखिए ट्रिगो रेशियोज बताने के लिए हमको तीनों साइड्स का पता होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर सिर्फ बताया है PQ को, सो हम लोग को ये दोनों फाइंड आउट करना होगा। सो लेट सपोज दोनों का सम पी आर प्लस आर क्यू का सम 25 है, तो हम लेट सपोज कि पी आर इज एक्स एंड देन दिस वन, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर जो भी यूनिट है साइन में। सो साइन साइन होता है पी बाई एच, सब में एंगल पी ही है ना, पहले लिख लेते हैं बी बाई एच और पी बाई बी। ओके देन देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एंगल पी को नोटिफाई किया है, तो एंगल पी को हम लोग इसके सामने वाला हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये कितना है हाइपोटेन्यूज, सो पी बाई एच देखो 25 माइनस एक्स बाई हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले तो सवाल है कि हम एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा कैसे, है ना, तो यू नो कि पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट की पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा स्टूडेंट कि x का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू हम लोग का कितना है 5 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके इसको सॉल्व करो हम भी करते हैं, सो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, और देखो आपको 50x को इधर ले आओ तो प्लस 50x हो जाएगा और दोनों सम हो जाएगा आपका 650, x इक्वल टू व्हाट 650 बाय 50 13 65, x का वैल्यू आपका कितना आ गया, ये वैल्यू आपका 13 आ गया, सो देखो दोनों का सम 25 था, ये 25 माइनस x, x का वैल्यू 13 है, तो 25 माइनस 13 इज व्हाट 12, बस आप पुट कर लो p परपेंडिकुलर 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज योर 13। नेक्स्ट बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हम लोग का 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 13, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज 5। ओके नेक्स्ट जो है हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो देखते हैं कुछ पार्ट्स इसमें। सबसे पहले स्टूडेंट इसको शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाह रहे हैं, जो हम लोग साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट बोलते हैं उसका फुल नेम क्या है, है ना, सो एस आई एन हम लोग बोलते हैं साइन, बट इट इज विथ ई, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंट एंड कोटेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो 11 का आपसे पूछा है कि क्या हम लोग कॉस को कोसेकेंट बोलते हैं, नहीं कोसेकेंट एक्चुअली कॉसेक को बोलते हैं, है ना, कोसाइन कॉस के लिए हम लोग यूज करते हैं कोसाइन, तो वो फॉल्स था स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स करना है। और एक और क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, देखो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है थ्री साइड्स में, है ना, मान लेते ए बी सी, है ना, सो ए बी सी थ्री साइड्स है हम लोग का, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है, तो ये क्यों बोले, देखिए क्वेश्चन में टैन का वैल्यू आपसे बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि टैन ऑलवेज लेस देन वन, ठीक है, टैन का रेशियो क्या होता है, टैन इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो परपेंडिकुलर बेस, हम लोग को तो ये श्योर है कि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, परपेंडिकुलर और बेस में कौन लॉन्ग होगा आप नहीं कह सकते, मतलब
परपेंडिकुलर और बेस का जो भी वैल्यूज होगा उसमें परपेंडिकुलर बड़ा कभी हो जाएगा या कभी बेस बड़ा हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर बड़ा है बेस छोटा है तो इट विल बी ग्रेटर देन वन, द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन वन, एंड इफ द बेस विल बी ग्रेटर एंड परपेंडिकुलर विल बी लेस देन इट विल बी लेस देन वन। ओके, सो यही हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा कि क्या ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन वन होगा, तो नहीं कर सकते, वन से बड़ा भी हो सकता है वन से छोटा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज सेक, यू नो सेक रेशियो इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। देखो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब आपका न्यूमरेटर बड़ा है, किसी भी केस में आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, बेस जो भी हो वो तो छोटा ही होगा, मतलब इट इज सेक का जो भी रेशियो होगा वो ग्रेटर देन वन होगा। सो ये वैल्यू करेक्ट है, एक ऐसा वैल्यू होगा जो ये ग्रेटर देन वन हो, आपको पता है 12 बाय 5 विल बी ग्रेटर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, cot A, यू कांट से दैट इट इज प्रोडक्ट, इट इज द एंगल ऑफ cot। ओके, सो यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, sin theta इज 4 बाय 3, क्या ये पॉसिबल है? यू नो कि द साइन इज पी बाई एच एंड hypotenuse यू नो इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो ठीक है तो नंबर का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, सो 4 बाय 3 इज व्हाट ग्रेटर देन 1, सो इट इज फॉल्स। सो इस तरह से हम लोग अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 8.2 एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले उसके टूल्स को समझेंगे, टूल्स क्या है, और देन उस पर वर्कआउट करेंगे।